आइए क्वायर के साथ मिलकर हम और वर्शिप करेंगे। मैं फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रंट की तमाम चेयर्स जो हैं वो हम खाली रखेंगे, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं। आज के लिए माजरत के साथ अपनी सारी फैमिली से, ताकि ईस्टर का मौका कोई नाराज ना हो। मेहरबानी करके जहां पर टीम जस्ट करे, आप कोशिश कीजिए वहां पर बैठने की। जी, क्वायर के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे आज के दिन के लिए। झुकाएंगे हम, दुआ करेंगे खुदा के खादम पासों नुमान के साथ मिलकर। आइए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदा उनकी हुजूरी में झुक जाएं, हम एक दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। सब उसका शुक्र अदा करें आज के इस रेजोलेक्शन डे के लिए, यीशु के जी उठने के लिए। अपने दिलों को खोलें और उसको वेलकम कहें और कहें, आए बाप हम तुझे खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। ऐ प्यार से भरे जिंदा जलाली खुदावंद मसीह यीशु राजा, आज के दिन के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तेरा ही नाम हम तो सताइश के लायक है। इसी तरह इस सर्विस में हम तुझे खुशामदीद करते हैं, अपने दिलों में तुझे खुशामदीद करते हैं। और देखा है बाप, मुल्क पाकिस्तान के तमाम चर्चेस को तेरे हाथ के नीचे लाते हैं, कि तेरा शफकत वाला और सिक्योरिटी वाला हाथ पूरी कलीसिया पे बना रहे। और देख खुदांदा, इन सब की जिंदगियों में तेरे नाम को जलाल मिलता जाए। और देखा है बाप, हम मीटिंग के शुरू से लेके एंड तक तेरे नाम को ऑनर और इज्जत देते रहे, मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। आइए क्वायर के साथ मिलकर और वर्शिप के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, ताली ताली मिल के बजाओ ताली। हालेलुया,
आए सब हाथों को उठाए जी, हाथों को उठाते कीबोर्ड का वॉल्यूम थोड़ा सा दीजिए। ताली 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 हर दिल के बजाओ ताल, ओहो ताली 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 सर बल के बजाओ ताली, यीशु साडा बड़ा जलाली, यीशु साडा बड़ा जलाली, यीशु साडा बड़ा जलाल मिल के बजाओ ताल, ताली 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 हर दिल के बजाओ ताली, ताली 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 सर बल के बजाओ ताली। साथ ही अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक और दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। मेरे भाई सलीम इकबाल के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे, आइए उसका शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया। कदूस कदूस प्यारे खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की तमजीद करते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक,
پیارے خداوند زندگی کے لیے زندگی کی تمام نعمتوں برکتوں بخششوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور آج کے خوبصورت دن کے لیے خداوند خدا کہ تو نے سلیپ پر اپنی جان دے کر پیارے خداوند بری نو انسان کو ہمیشہ کی زندگی دے دی اور اس اٹرنل لائف کے لیے پیارے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند عبادت کے باقی مادہ حصہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند جو لوگ راستے میں ہیں تو ان کی مدد اور رہنمائی کرنا اور پیارے خداوند خدا تیرے آگے منت کرتے ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں پیارے خداوند وہ ایسٹر کی خوشیاں بڑے احسن طریقے سے منا سکیں خداوند تو ایک ایک روح بدن جان اور جسم کو برکت پر برکت دینا اور جتنے لوگ آئے ہیں پیارے خداوند اپنے دل کی مرادیں لے کر جائیں عبادت کے باقی حصہ میں تو بڑی مدد اور رہنمائی کرنا تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف ہو مسیح یسوع کے نام سے آمین 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 آئیے کوائر کے ساتھ مل کر ہم اور ورشپ کریں گے Hallelujah. Mane bhai keyboard hai. Hallelujah. Thank you Jesus. Nach nach ke gaga ke aaj geet khushi de kama ho. Aaye aapki taaliyon ka saath chahiye ga. Bole. Aaye sare mil le. नचके गादा गाके आज गीत खुशी दे सुनावागे आज गीत खुशी दे सुनावागे दुनिया के भंगड़े पापा के दुनिया के भंगड़े पापा के आज गीत खुशी दे सुनावागे आज गीत खुशी दे सुनावागे आए तालियों में जाके सारे बजते आज खुशियां दे टोल पे बज दे आ तालियां बजा के देखो आज खुशियां दे टोल पे बज दे नच नच दुनिया च नयो पे रच दे नच नच दुनिया च नयो पे रच दे नच नच दुनिया च नयो पे रच दे यीशु दे नारे आज लाला के अज गीत खुशी दे सुनावागे अज गीत खुशी दे सुनावागे दुनिया के भंगड़े पापा के दुनिया के भंगड़े पापा के अज गीत खुशी दे सुनावागे अज गीत खुशी दे सुनावागे बाहर आ
हालेलुया। अगर आपकी फरमाइश हो तो आप लिख कर दे सकते हैं, कोशिश करेंगे जरूर जो हमारे पास वर्शिप का टाइम होता है उसमें आपकी फरमाइश को पूरा किया जाए। आइए क्वायर के साथ मिलकर हम फिर से वर्शिप करेंगे। Yes, you do, Johnny. I have.
आप जा दीजिए क्वायर के लिए, म्यूजिशियन के लिए, मुन्ने भाई के लिए। अब आपकी जोरदार तालियों में खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल साहब को स्टेज पर दावत दूंगा। आए हाथों को उठाकर हालेलुया। सब तशरीफ रखे, हालेलुया बोलो यीशु, हालेलुया बोलो यीशु। आप सबको मेरी तरफ से मसीह के जी उठने की ईद मुबारक हो। जितने भी आप टीवी पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, आप अपने साथ वाले बैठे भाई को बहन को विश करें कि आपको मसीह के जी उठने की ईद मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच आपकी तरफ से भी, और खुदावंद आपको बरकत दें। आए पाकरू को जोरदार तालियों में खुश आमदीद और वेलकम करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मैं अपने आप को इन प्यारों को तेरे खून में छुपाता हूँ और खुदा तेरे रूह कुदस को खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ। और आज सुबह जितने भी चर्चेस इस वक्त इबादत कर रहे हैं, हम सारे चर्चेस पर तेरे पाकरू की बाढ़ को लगाते हैं और खुदावंदी के एक भाई बहन को तेरे खून में छुपाते हैं ताकि पूरे पाकिस्तान पर तेरे पाक फरिश्ते खेमा जर रहे और तेरा रूह तमाम चर्चेस कलीसियों पर मेहरबान रहे, मसीह के नाम में आमीन। मेरा ईमान है आप सब बड़े प्यारे लग रहे हैं, और साथ वाले को कहें भाई आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहन बहन को कहे बहन आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको खुदा से तंदुरुस्ती दे, और आपके वाले साहब हैं बीमार हैं इनको भी खुदा तंदुरुस्ती और सेहत दे, आमीन हालेलुया। क्वायर के लिए भी जोरदार तालियां अब जाए, क्वायर ने बड़े अच्छे गीत गाए हैं, वर्शिप की है, और जो गली में बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, छोटी ग्राउंड में है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाए। जो बाहर हमें छत पर देख रहे हैं, बाहर गली में है, छोटी ग्राउंड में है, आप सबको खुदा बरकत दे, आमीन। इससे पहले कि हम मजीद बातचीत करें, खुदा का कलाम सुने, आज मैं अपनी टीम के उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छा काम किया प्रीवियस, उनको हम अवार्ड देंगे। खुदा के खादम फादर थियो के हाथ से, और खुदा के खादम प्यारे भाई फेडरल मिनिस्टर कामरान माइकल साहब वो आएंगे और दोनों उन प्यारे भाइयों को अवार्ड देंगे जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है खिदमत में। सो मैं आपकी जोरदार तालियों में पहले फेडरल मिनिस्टर कामरान माइकल साहब को दावत दूंगा, वो सामने तशरीफ लाएं और उनको फूल भी पेश करेंगे। मैं फूल पेश करने के लिए दावत दूंगा, चौधरी यूसुफ साहब आएंगे और कामरान माइकल साहब को फूल पेश करेंगे, उसके बाद जोरदार तालियां बजाई जाए। फादर थियो प्लीज कम फॉरवर्ड, वी वेलकम यू अगेन एंड वी आर वेरी हैप्पी टूडे दैट यू आर सेलिब्रेटिंग विद अस रेजोरेक्शन डे फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस। जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए, और पास्टर फैज रॉबर्ट साहब उनको फूल देंगे, फादर थियो को आएंगे पास्टर फैज रॉबर्ट और वो फूल पेश करेंगे, उसके बाद हम कामरान भाई को एटर्नल लाइफ की तरफ से अवार्ड देंगे। कामरान भाई के बाद फादर थियो को, उनकी मिसेस को, इसी तरह उनके साहबजादे को, और उसके बाद खुदा के खादम रियाज मलक को माइक दूंगा, वो फिर बारी बारी दूसरे लोगों को दावत देंगे। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा कि ये अवार्ड भाई कामरान को हम इसलिए दे रहे हैं कराची में जहाँ भी हमने प्रेयर फेस्टिवल किए, परमिशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने हमारे साथ बड़ा तावन किया, और भाई कामरान इंटरनेशनल आइजक टीवी के डायरेक्टर भी हैं, इनकी अच्छी कारकर्दगी, अच्छा काम
जो कर रहे हैं उसमें अप्रिशिएट करते हैं, जोरदार तालियां बजाई जाए. सो आई वुड रिक्वेस्ट पास्टर रियाज मलक, प्लीज ब्रिंग दिस अवार्ड वी डेडिकेट टू माय ब्रदर कामरान माइकल. थैंक यू. अवार्ड गोज टू ब्रदर कामरान माइकल. बहुत सारी तालियां. खुदाम के खादम हैं, इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के साथ बहुत सालों से खिदमत कर रहे हैं. एंड वी आर सो मच ब्लेस्ड विद द ग्रेट फेलोशिप ऑफ डॉक्टर थियो ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर. तालियों में जोर. हालेलुया, हालेलुया, जोश के लिए बोलो खुदा यीशु मसीह की. And the better half of Dr. Thieu, Mama Suman, bahut sari taaliyan. Isliye Khuda ne Adam ke liye madadgar ko bheja. Aur yakeenan Khuda ki khadmaye jo hain wo ministry mein. Next. Bhai, और ये है खुदा की खिदमत के लिए अपनी नस्ल को तैयार करना. इनका पोता इनके साथ है, पहली बार पाकिस्तान में खिदमत के लिए मिशनरी बनकर आए हैं, जोनाथन थियो. ये नौजवानों के लिए बड़ी बरकत की बात है. हालेलुया. और मैं अक्सर कहता हूँ जब भी कोई फॉरेनर आता है, चाहे वो आहिस्ता बोले तेज बोले, तो तर्जमे ने ही काम दिखाना होता है. हालेलुया. आपकी जोरदार थालियों में सिस्टर महविश इमरान, बहुत जबरदस्त खिदमत के साथ इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री में काम करते हैं और बहुत सारी खवातीन को खुदाम के लिए जीतते हैं. हालेलुया. तालियों में गुंजाइश कम ना रखें. और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं भाई शौकत के साथ भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है और इनके साथ तो ज्यादा अच्छी है. जोरदार तालियां इमरान फजल. जो आए हुए हैं उनके लिए एक मिनट, एक मिनट, चलो इमरान. और खुदावन की खिदमत बहुत जोर से करते हैं. आपकी जोरदार तालियों में पादरी मुनव्वर फजल. तालियां बजाते रहें. और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि सुन लें, साथ साथ सुना भी करें. जो लोग इस मिनिस्ट्री का शुरू से हिस्सा हैं, जब मैं उनके पास बैठता हूं तो बताते हैं कि फजल फैमिली के जो पादरी साहब के डैडी थे, वो लोगों को इस खिदमत में दुआ में लाने के लिए गलियों में पानी का छिड़काव करते थे. और मैंने ये सुना, मैंने देखा नहीं, कि वो लोगों की जूतियों को भी तरतीब से रखते थे. बहुत सारी तालियों में चेयरमैन चौधरी यूसुफ साहब, खुदावंद की खिदमत. हालेलुया. और ये इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री है जो आप लोगों को अप्रिसिएशन देती है और खुदा के जलाल में वेलकम करती है. और आपकी जोरदार तालियों में वो
वो मैं अक्सर कहता था कि जब बुध की मीटिंग होती है तो जब तक नारे से जोर से बुलाया ना जाए तो पता नहीं चलता। जोरदार तालियों में सिस्टर रेचल, और वही नारा हो जाए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मामा फौजिया का अवार्ड है वो, जोरदार थालियों में सिस्टर सोबिया नुमान। तालियों की जोरदार थालियों में भाई शहजाद मुंशी, इटर्नल लाइफ की तरफ से एप्रिसिएशन अवार्ड है, तालियों में कमी ना रखा करें प्लीज। आज गर्मी का मुकाबला थालियों से करेंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। बहुत बहुत जबरदस्त भाई हैं, जोर से तालियां बजाएं भाई नईम कैसर। सारी मीडिया टीम को ये आगे लीड करते हैं, जोरदार तालियां बजाएं ताकि तालियों पर बैठे बैठे आ जाएं भाई नईम कैसर के लिए। मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं एवेंजलिस्ट मुनीर, जोरदार तालियां। पायलट जहाज उड़ाता है लेकिन ये मिनिस्ट्री के लोगों को एयरपोर्ट पे हेल्प करते हैं भाई मुनीर। भाई सुहेल मसीह के लिए जोरदार थालियां, खिदमत में वफादार। और ये पादरी साहब के साथ बड़े अरसा से बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड ले रहे हैं मिनिस्ट्री में खिदमत कर, जोरदार थालियां। और मैं चाहूंगा शौकत भाई भी साथ आए प्लीज। जोरदार तालियां बजाइए पास्टर रियाज मलक साहब के लिए, बहुत जोशीले खादम हैं, इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मेरे भाई विल्सन मुनवर कैमरामैन है आइजक टीवी के, बहुत अच्छी खिदमत है आपकी, जोरदार ताली में दावत दूंगा। जोरदार तालियां बजाइए ब्रदर विल्सन के लिए। ब्रदर जुवेद जॉन ड्राइवर जो है, जुवेद हालेलुया। और इसी तरह जितनी भी सारी इंतजामिया हैं जो अच्छा काम करती है उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाए।
ये अप्रिशिएट इसलिए किया गया है ताकि ये और अच्छा काम करें. आमीन. तो मैं सारा जलाल यीशु मसीह को देता हूँ. इसी तरह प्यारे भाई आसफ भट्टी साहब हैं और उनको भी जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सियासी समाजी वर्कर हैं. मैं चाहूंगा कामरान साहब एक मिनट तशरीफ रखें. आप कामरान साहब के लिए भी जोरदार तालियां, फादर थियो के लिए भी. और मैं चाहूंगा कि ज्यादा वक्त नहीं अब लेंगे, हम कलाम सुनेंगे. उसके बाद आज मेरी बेगम की क्या है, कितने लोगों को पता है? सबको पता चल गया. आपको कैसे पता चल गया? टीवी पे आपने देखा है. सो खुदा की कादमा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं और खुदा की कादमा को भी हम अप्रिशिएट करते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं. कलाम में लिखा है जिसको अच्छी बीवी मिली उसको तोहफा मिला. तो ये यीशु के जी उठने की ईद के साथ साथ इनकी बर्थडे भी है. सारा जलाल यीशु के नाम को मिले. सो अभी हमारे ड्राइवर जवेद साहब, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी हम शील्ड देंगे. सो मैं उनको माम फौजिया भी. तो सो मैं कामरान भाई को कहूँगा कि आप आ जाएं और इसी तरह शहजाद भाई आप दोनों आ जाएं, दोनों भाई, और आप इनको ये शील्ड प्रेजेंट करें. जोरदार तालियां आप जाए जाएं. कामरान भाई आज तो आप दुल्हे ही लग रहे हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं. सूट भी बड़ा अच्छा पहना हुआ है. बहुत मेहरबानी, मैं सरबाले के साथ ही खड़ा हूँ. जोरदार तालियां बजाई जाए. मैं चाहूँगा कि आप इनको माम फौजिया की बड़ी खिदमत है. जब जितने भी खादम आते हैं, खाना उनकी टेक केयर करना, खुदा की खादमा करती हैं. जोरदार तालियां बजाए. और इसी के साथ ड्राइवर जवेद साहब बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं. मेरे ड्राइवर भी बड़े अच्छे हैं. मैं चाहता था इनको भी अप्रिशिएट किया जाए ताकि सब जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, ये मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है कि उनकी हिफाजत करना, उनको लेके जाना, उनको लेके आना, रास्ते भी तब्दील करने पड़ते हैं बाजूकात. तो बड़ा कमिटेड बंदा हमें चाहिए होता है, बड़ा ऑनेस्ट बंदा चाहिए होता है. तो भाई जवेद के लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए. हालेलुया. सो मैं दरख्वास्त करूँगा कि प्यारे भाई, इससे पहले कामरान भाई अपने ख्यालात का इजहार करें. आज बड़ा खूबसूरत दिन है. शहजाद भाई को मैं चाहूँगा कि वो भी आएँ, दो मिनट के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें, विश करें. तो शहजाद भाई के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाई जाए. बहुत शुक्रिया ऑनरेबल सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब. आज की इस मुबारक और मुकद्दस सुबह, जो मैं समझता हूँ कि पूरी बनी नौ इंसान के लिए ना सिर्फ बाइसे बरकत है बल्कि पूरी बनी नौ इंसान की निजात और कुफारे का दिन है. हमारे आका हमारे खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी बाबत लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की. आमीन. तो मैं समझता हूँ आज का दिन ईद क़यामतुल मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये इस बात की दलील है कि जिस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठकर और खुदा बाप के जलाल में उसके दहने हाथ बैठा है, वो हमारे लिए उम्मीद देता है कि हम एक दिन आएगा कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ, उसके साथ उस आला मकाम पे जहाँ पर वो खुद बैठा है, हमें अपने साथ बिठाएगा. हालेलुया. तो ये जो यीशु मसीह ने अपना बेश बहा खून बहाकर हम अदना निकम्मे लोगों को एक आला रुतबा बख्श दिया, और वो था अपने बेटे और बेटियाँ होने का.
یعنی ہم سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں, شہزادے اور شہزادیاں, جیسا کہ یہاں پر سب شہزادے اور شہزادیاں ہی بیٹھی ہیں. ہاللویا. تو آج یسوع مسیح کی اس کفارے کے بعد جو جیتنے کی عید ہم منا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا کے لیے باعث برکت ہے. تو آپ سب کو میری طرف سے, میرے اہل خانہ کی طرف سے اور میرے دوستوں کی طرف سے عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. بھائی صاحب آپ کو بھی, باجی ندا آپ کو بھی, عمران بھائی اور اسی طرح شوکت بھائی, آپ کی پوری فیملی کو بھی عید قیامت المسیح مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو ویری مچ سعد بھائی, آپ کو بھی عید قیامت المسیح مبارک ہو, آپ کی فیملی کو بھی, گاڈ بلیس یو. تو میں چاہوں گا چودھری یوسف صاحب چیئرمین بڑی خدمت کر رہے ہیں, ہمارے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں, زوردار تالیاں بجائے, آپ بھی مبارکباد دیں اپنی طرف سے. جناب کامران محکل صاحب, پاسٹر انور فضل صاحب, شہزاد منشی صاحب اور میری باجی نیدا جس کی آج برتھ ڈے ہے, اس کو سب سے پہلے برتھ ڈے مبارک ہو. اور میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ آج کا دن ہمیں بخشا اور ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا. اور میں اپنی طرف سے, اپنی فیملی کی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ سب کو ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہو. اور میرے قائد کامران محکل صاحب بھی یہاں موجود ہے, ان کو بھی ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہو. اور پاسٹر انور فضل ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہیں, میں ان کو پھول پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی بہت کاوش ہے ٹرنل لائف منسٹری کو چلانے کے لیے, اور یہ ہمیشہ غریب لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور ان کا جو وین ہے کہ ہر بندہ جو رات کو سوتا ہے کھانا کھا کے سوئے اور اچھا کام کرے, اور یہ میری دعا ہے کہ پاسٹر انور فضل کو ہمیشہ صحت اور تندرستی دے. شکریہ. تھینک یو چوہری صاحب آپ کے گڈ کمنٹس کا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو چوہری صاحب. سو برادر کامران مائیکل, آپ آئزیک ٹی وی کے انٹرنیشنل ڈائریکٹر بھی ہیں, آپ اپنی طرف سے جو بھی ٹیم کو وش کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ناظرین کو وش کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے بہت سارے بے روزگار لوگوں کو جو آپ نے روزگار لے کر دیا ہے, مجھے بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا. اور ساتھ ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تین پہلے فیصل آباد تھا, لاہور تھا, اسلام آباد تھا, جہاں پر چھوٹے لون دیے گئے اور بہت سارے لوگوں نے روزگار شروع کیا, لوگ ڈیلی دعا بھی کر رہے ہیں. ابھی تین شہروں کے لیے اور اپروول کرائی ہے بھائی کامران کے لیے, اس بات کے لیے زوردار تالیاں بجائیں تاکہ ہر شخص اپنا روزگار کر سکیں. جو بے روزگار ہیں وہ خدا کے فضل سے بے روزگار نہ رہیں بلکہ روزگار بن جائیں. تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں برادر, گاڈ بلیس یو. مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو. میں سب سے پہلے تو سسٹر ندا کو سالگرہ مبارکباد دینا چاہوں گا, اور میں اپریشیٹ کروں گا پاسٹر صاحب کو, ان کی خدمت کو بھی, کہ انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا, چاہے وہ منسٹری میں پاسٹر ہے, چاہے وہ کوئی بھی خدمت کر رہا ہے, ہمارے کیمرہ مینز ہیں, ہماری کوائر لیڈرز تھے, ہمارے ڈرائیورز تک کو جن کی خدمات ہیں اس کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے, آئزیک ٹی وی کے لیے, انٹرنل لائف منسٹری کے لیے, ان سب کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو میں بھائی صاحب آپ کی اس مثبت سوچ کے لیے میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, بھائی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں, کیونکہ ہم سب یہ جو آئزیک ٹی وی اور انٹرنل لائف کی بات ہوئی ہے, آج سب میں یہ ایوارڈز دیے گئے ہیں, تو یہ سہرا آپ کو جاتا ہے, آپ کی مثبت سوچ کو جاتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے ساتھیوں کو فراموش نہیں کیا بلکہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے, جیسا کہ پائی صاحب نے کہا, ہماری ایک رویا تھی کہ ہم پورے پاکستان میں گھر گھر جائیں گے, انجیل سنائیں گے. اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو چھوٹے قرضے لے کے دیں گے. تو میں نے پورے پاکستان کے لیے ایگریمنٹ سائن کیا ہے. اب پہلے تین شہر تھے ہمارے پاس, لاہور, فیصل آباد اور راولپنڈی اسلام آباد, لیکن یکم مئی سے جو پہلی تاریخ آ رہی ہے اس میں ہم نے شامل کیا ہے قصور کو, گجراں والا کو,
शेखुपुरा को और सियालकोट को, तो ये चार ज़िले और शामिल हो गए हैं। लाहौर का काम यहाँ पे रुका नहीं है, ये 400 लोन हमने जो दिए हैं उसके बाद रुका नहीं है। आप मज़ीद लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1,000, 1,500, 2,000 जो भी क्वालिफाई करते हैं, जो भी मैं समझता हूँ कि बेरोज़गार हैं, डिज़र्विंग हैं, जिनके पास कोई प्लान है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे उनको छोटे लोन मिलें, ताकि आप अपना हाथ किसी की तरफ ना फैलाएँ। हमारा ये मकसद है कि आप बैगर ना बन जाएँ। हम अपनी कौम को इस रूप में नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं हमारी कौम ऐसे ना करे बल्कि ऐसे करे, क्योंकि आप शाही कायनों का फिरका है। तो खुदा ने अगर हमें ये चुना है, इस मनसब पे बिठाया, तो आपके लिए हमें कोई ना कोई जद्दोजहद करते रहना चाहिए। आपके लिए पॉलिसियां मुतारफ कराते हैं ताकि आप लोगों के अंदर से इन नाउम्मीदी का खात्मा हो सके। हमारे बहुत से लोग जो हैं हालात से बरगश्ता हो जाते हैं, फरार हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस खुशी के मौके पर जब आज हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, ये खुशखबरी भी भाई साहब ने कहा आपसे मैं शेयर करूं। और मैं ये समझता हूं कि आज का दिन हम सब के लिए बड़ी अहमियत का दिन है। आज दुनिया के माबूद मनोमन मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु जिंदा है, उसकी कब्र आज भी इस दुनिया में खाली पड़ी है। और जो क्रिश्चियनिटी की बुनियाद है वो क्रिसमस पे नहीं है, यीशु के पैदा होने पे नहीं है, यीशु के जिंदा उठ जाने पे है, मौत और कब्र पे फदा पाने पे है। और मैं एक बार फिर आप सबका बेहद मशकूर हूँ और मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम दोस्तों को जिनको एप्रिसिएशन लेटर्स और ये अवार्ड्स मिले हैं। खुदा इनको और तौफीक दे कि ये खुदा के जलाल के लिए कसरत से अपने आप को पेश करें और हमारी जिंदगियों से, हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। और एक बार फिर मैं आपको ईस्टर की और ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा आप सबको ब्लेस करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कामरान भाई, और आपका शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दें। अभी कामरान भाई ने एक और जगह पर जाना है, आज मिनिस्टर साहब की खिदमत है ये भी, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दें और आपके साथ हो। ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, हैव अ ब्लेस्ड डे। कितने मैसेज सुनने के लिए तैयार हैं? इससे पहले कि मैसेज सुने, शहजाद भाई फूल देना चाहते हैं, खुदा की खादमा निदानवर फजल को फूल पेश करना चाहते हैं। सो खुदा की खादमा सामने तशरीफ लाएं। मैसेज के बाद इनका हम केक भी काटेंगे। और अक्सर कहती हैं मैं थक गई हूँ, मैं कहता हूँ थकना नहीं, अकड़ा नहीं तो झकना नहीं, ऐसा डा मोटो है। तो बड़ा काम करती हैं, ज़ोरदार तालियाँ बजाएं। शहजाद भाई आए, आप फूल पेश करें। खुदा की कादमा के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं। और अब आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम फादर थियो को वेलकम करूंगा और उनकी मतरजम मैवेश इमरान को। फादर थियो प्लीज कम फॉरवर्ड, शेयर the love of God that you bring from Singapore, and we love you and we love Singapore. And Jonathan, we also so blessed for your coming in Pakistan, and Mom Suman too. Praise the Lord. Aye, zordar taliyan khuda ke kalam ke liye baja de ek baar. Aye, haathon ko le rahe kahe khuda baap, main tere kalam ko tujhe welcome karta hu, पाकरू को वेलकम करता हूं, उसके जी उठने के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। हैप्पी रेजरेक्शन संडे। आप सबको मसीह के जी उठने का इतवार का दिन मुबारक हो। जीसस सेड आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, और यीशु मसीह कहता है कि मैं ही जिंदगी हूं और जी उठने की कुवत हूं। He who believes in me shall not die, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा मरेगा नहीं, but shall live, बल्कि जिंदगी पाएगा।
Because of Resurrection Sunday. और इस जी उठने के इतवार के दिन की वजह से. We who believe. हम जितने भी ईमान लाते हैं. Look forward to our eternal life. और हम सब हमेशा की जिंदगी पाते हैं. But this is not only what Jesus brought down here. यही सिर्फ वो बात नहीं जो यीशु मसीह यहाँ पर लेकर आया. You see, Jesus brought down with him. और यीशु अपने साथ जो लेकर आया. The authority of the kingdom of heaven. और वो चीज है कि खुदा की बादशाहत की का इख्तियार जो वो अपने साथ लेकर आया. And this is his command to you. और वही हुक्म है जो ये वही हुक्म है जो वो आपको भी देता है. If you obey my commands. अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे. I and my father will come and make our home with you. मैं और मेरा बाप तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए घर बनाएगा. So if Jesus and his father makes his home with you. और अगर यीशु और उसका बाप आपके साथ घर बनाएगा. Whatever the authority that Jesus has. और जो अख्तियार यीशु के पास है. It's in you. वो आपके अंदर होगा. He's brought this down with you just for you to walk in the kingdom. और वो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसलिए लेकर आया ताकि आप बादशाहत में चल सके. So when you walk in kingdom authority. जब आप खुदा की बादशाहत के इख्तियार में चलते हैं. Natural laws don't apply to you. तो फिर जो हमें आम उसूल जो नजर आते हैं वो नहीं काम चलते उनसे. It's a place of supernatural. यहाँ पर हमें माफ़ुकल फितरत जायका नजर आता है. Where water is no obstacle. जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई जाती. Jesus walked on water. और पानी भी उसके सामने कोई चीज नहीं है. हम देखते हैं कि यीशु पानियों पर चला. Nature obeys your commands. और हम देखते हैं कि फितरत भी उसके हुक्मों को मानती है. When he was on the boat, it was very stormy. और जब वो कश्ती में था और कश्ती में तूफान आया और कश्ती डूबने को थी. He just said, "Be still." उसने सिर्फ कहा, रुक जा. And the sea came down. और समुद्र उसी वक्त रुक गया लहरें. Where lack of everything. और जहां पर किसी भी चीज की कमी होती है is abundance. वहां पर वो कसरत से मुहैया करता है. He fed the 5,000. और हम देखते हैं कि उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया. With only 5 loaves and 2 fishes. सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ. When you walk in the supernatural. जब आप माफ़ूकल फितरती तौर पर जिंदगी में चलेंगे. Chemistry can change. तो फिर केमिस्ट्री जो है वो तब्दील हो जाएगी. Water can become wine. और जो पानी है वो में तब्दील हो जाएगा. In the kingdom of heaven. आसमान की बादशाहत के अंदर. Crippled limbs are walking limbs. और लंगड़ी टांगे जो है वो चलने वाली टांगे बन जाती हैं. The blind see, the deaf hear, the dumb speak. अंधे देखना शुरू हो जाते हैं, गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं, बहरे सुनना शुरू कर देते हैं. There's life in death. और मुर्दा जिंदा हो जाती हैं. When Lazarus was dead. हम देखते हैं कि जब लाजरस मुर्दा था. He says, "Come out, Lazarus." उसने कहा, लाजर बाहर आ. And Lazarus came up. और उसी वक्त लाजर कब्र से बाहर आ गया. Nothing is hidden. और उसके सामने कोई भी चीज पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है. Secrets are revealed. और पोशीदा बातें उसके सामने जाहिर हो जाती हैं. The woman at the well. हम देखते हैं कि वो औरत जो उस कुएं पर थी. Jesus says, "Go call your husband." यीशु ने कहा, जा अपने शौहर को बुला. And she said, "I have no husband." और उसने कहा, मेरा तो कोई शौहर ही नहीं है. And Jesus said, "You are right." यीशु ने कहा, हाँ तू ठीक कह रही है. You have had 5 husbands. और तेरे 5 शौहर हैं. And the one you're living with now is not your husband. और अब जिस शख्स के साथ तू रह रही है वो तेरा शौहर नहीं है. You see, Jesus walked in kingdom authority. हम देखते हैं कि यीशु मसीह बादशाहत के असूलों के मुताबिक चलता है. And Jesus says, "We can do the same." और यीशु कहता है कि हम भी ऐसा ही कर सकते हैं. Jesus says this. यीशु ने ऐसा कहा. Most assuredly I say to you. और यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ. He who believes in me. जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा. The works that I do. और जो काम मैं करता हूँ. He will do, also do. वो भी करेगा. And greater works than this because. बल्कि मुझसे भी बड़े-बड़े काम करेगा. Because I go to the Father. क्योंकि मैं खुदा बाप के पास जाता हूँ. Jesus says we can do the same thing. और यीशु हमें कह रहा है कि हम भी वही काम कर सकते हैं.
Great men and women of God in the past have done these things. और हम देखते हैं कि अजीम खुदा के खादम और खादमाओं ने ऐसे काम किए हैं. Your own pastor Anwar regularly does this thing. और आपका अपना खादम खुदा का खादम पास्टर अनवर फजल हर रोज ये काम करता है. Cripples are raised. हम देखते हैं कि मफलूज चलना शुरू हो जाते हैं, बंद आंखें खुल जाती हैं. Deaf ears hear. और बंद कान सुनना शुरू हो जाते हैं. Paralyzed walk. मफलूज चलना शुरू हो जाते हैं. On Wednesday we had a man who was paralyzed. और बुध के रोज एक शख्स आया जो चल नहीं सकता था. On his left side. उसकी हम देखते हैं कि दाईं जो साइड थी उसे चल नहीं सकता था. He was healed. लेकिन वो शिफा पा गया. If we dare to exercise our faith, हम वो जो अपने ईमान को इस्तेमाल करते हैं, अमल में लाते हैं. Jesus says we will do the same. यीशु कहता है कि तुम भी वही काम करोगे. In Indonesia, I prayed for a 12-year-old girl who was in a coma. और इंडोनेशिया के अंदर मैंने 12 साल की बच्ची के लिए दुआ की जो कोमा में थी. 3 years in a coma. और 3 साल से वो कोमा की हालत में थी. After prayer, she got up. जब मैंने दुआ की तो वो उसी वक्त शिफा पा गई. And I said, what happened? और मैंने कहा ये क्या हुआ है? She said, when I heard you pray. उसने कहा जब मैंने सुना कि तू दुआ कर रहा था. A voice said, I have healed you. और एक आवाज मेरे कानों में आई कि मैंने तुझे शिफा दे दी है. So I got up. और मैं उठ खड़ी हुई. We saw one girl who was blind since birth with no pupils. और हमने एक बच्ची देखी जो बचपन से एक आंख से जो थी पैदाइशी तौर पर देख नहीं सकती थी. Her pupils came back, her sight came back. और हमने देखा कि उसकी आंख के ऊपर ये आई लेंस भी नहीं था. जब हमने दुआ की तो लेंस भी वापस आ गया और वो देखना शुरू हो गई. Jesus said, "The works that I do, you will also do." यीशु कहता है कि जो काम मैं करता हूँ, तुम भी वही काम करोगे. I was in Kathmandu some years ago. कई साल पहले मैं काठमांडू में था. And as I was speaking. और मैं वहाँ पर कलाम सुना रहा था. The rain started coming in. और अचानक से बारिश होना शुरू हो गई. And the crowd started going away. और बादल इस तरह दोनों तरफ जाना शुरू हो गए. And I said, if this keeps up, I have no one to speak to. और मैंने कहा अगर ऐसे ही होता रहा तो मैं तो कलाम नहीं सुनाऊंगा. So I stood on the platform. मैं इस तरह से स्टेज पर खड़ा हो गया. And I looked to heaven. और मैंने आसमान की तरफ निगाह कर ली. And I said, I command the rain to stop. और मैंने कहा कि बारिश मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि रुक जा. In Jesus' name. यीशु के नाम से. And the rain stopped. और उसी वक्त बारिश रुक गई. Hallelujah. And the people came back. और लोग दोबारा से वापस आ गए. Your pastor and I know this. और मैंने और आपके खादम ने इस बात को नोटिस किया है. In Okara for 3 nights. Okara के अंदर 3 रात तक. Every night it wanted to rain. हर रात जो था वो बारिश आने की कोशिश करती. And we spoke to the heavens and commanded the rain to stop. He said not in Okara, in Gujranwala. 3 nights. और गुजरांवाला में ऐसा हुआ 3 रात हर रात बारिश के बादल बनते लेकिन हम दुआ करते और बारिश रुक जाती. On the fourth night we went back. और चौथी रात जब हम वापस आ गए. It started raining very heavily in Okara. और 3 रात कोई बारिश नहीं हुई लेकिन चौथी रात जब हम वापस आ गए तो उस जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हुई. The works that I do, you will also do. यीशु कहता है जो काम मैं करता हूँ वही काम तुम भी करोगे. You see, Jesus walked in this kingdom authority. हम देखते हैं और आप भी इस बात को देखें कि यीशु जो है बादशाहत के असूलों के मुताबिक चलता था. But you notice, he walked in very close intimacy with God the Father. लेकिन आपने इस बात को भी देखा होगा कि वो खुदा बाप के साथ बहुत ही नजदीकी रिश्ते में भी था. This is what he says. इस यही बात वो कहता है. The son can do nothing of himself. वो कहता है कि बेटा खुद कुछ नहीं कर सकता. But what he sees the father do. लेकिन जो कुछ वो बाप को करते हुए देखता है. For whatever he does, the son also does in like manner. जो कुछ मेरा बाप करता है, वो ही कुछ मैं भी करता हूँ. For the father loves the son and shows him all things. क्योंकि बाप जो है, वो बेटे से मोहब्बत करता है और सारी चीजें बेटे पर जाहिर करता है. Therefore, whatever I speak. इसलिए जब कभी मैं बोलता हूँ. Just as a father has told me. जैसा बाप ने मुझे कहा, मैं वैसा ही बोलता हूँ. So I speak. इसलिए मैं बोलता हूँ.
Jesus walked in such close intimacy with God. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा बाप के साथ बहुत ही नजदीकी रिश्ते में रहता है. He knows the Father's heart. वो बाप के दिल से वाकिफ है. His wishes. उसकी ख्वाहिश ये है. His will. उसकी मर्जी ये है. And he follows what the Father does. और वो वही काम करता है जो उसका बाप उसको करने को कहता है. So walking in the Father's will. इसलिए बाप की मर्जी के मुताबिक चलना. This is kingdom authority. ये खुदा की बादशाहत का असूल है. When we walk as Jesus walked. जब हम जैसे यीशु चलता है, यीशु की माने चलते हैं. In intimacy with God. जब हमारा रिश्ता उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी होता है. When we know the Father's heart. जब हम बाप के दिल को जान जाते हैं. We know His will. जब हम उसकी मर्ज़ी को जान जाते हैं. We know what He's doing. हम जान जाते हैं कि वो क्या कर रहा है. We then walk naturally in kingdom authority. फिर हम खुद बा खुद खुदा के बादशाहत के असूल और इख्तियार के मुताबिक चलते हैं. And signs and wonders will naturally follow our walk. और खुद बा खुद अजीब काम और मौजज़ात आपके पीछे हो लेते हैं. The totality of your kingdom authority. हम देखते हैं कि सारी चीजें जो खुदा की बादशाहत के इख्तियार के अंदर हमें नजर आती हैं. Depends on your totality of your intimacy with the Father. वो इस बात पर मुबनी है कि खुदा बाप के साथ आपका नजदीकी रिश्ता कितना है. Your walk of following holiness. कि आप पाकीज़गी में चल रहे हैं. Obedience. आप ताबेदारी में चल रहे हैं. And dependence upon the Father. और आपका फुली भरोसा खुदा बाप पर है. If you obey my commands. वो कहता है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे. I and my father. मैं अपने बाप की आवाज को सुनता हूँ. Come and make our home with you. मैं और मेरा बाप तुम्हारे साथ मिलकर घर बनाएंगे. So walking in kingdom authority. इसलिए खुदा की बादशाहत के इख्तियार के अंदर चलना. Is available to each one of you. आप सब के लिए available है, मुहैया है. Walk in that intimacy with God. आप खुदा के साथ नजदीकी रिश्ते में चलें. And you will walk in the supernatural. तो फिर आप माफ़ूकुल फितरत तौर पर ज़िंदगी को बसर करेंगे. To appreciate this walk of intimacy with God. और ये जो खुदा का साथ नजदीकी रिश्ता है, आपको इसको भी दांत देनी चाहिए. We go back to the origin. हम देखते हैं कि हम अपनी असल जगह पर इस तरह से पहुंच जाते हैं. God formed the world. हम देखते हैं कि इब्तिदा के अंदर खुदा बाप ने इस दुनिया को पैदा किया. By speaking. सिर्फ और सिर्फ कह देने से. Let there be lights. उसने कहा रोशनी हो जाए. Let there be trees. उसने कहा दरख्त बन जाएं. Let there be animals. जानवर बन जाएं. Let there be birds. और परिंदे बन जाएं. When God spoke. जब खुदा बोलता है. It came into being. वो सारी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं. But when God created you. लेकिन जब खुदा ने आपको पैदा किया. He went down to the earth. हम देखते हैं कि वो इस तरह से नीचे झुका. Took the clay. उसने मट्टी को अपने हाथों में लिया. Shaped it into man. और इस तरह से उसने सांचा बनाया और इंसान की शक्ल दे दी. And breathed his life. और अपने नथनों का दम फूंका. You see, touch is a symbol of intimacy. और हम देखते हैं कि छूना जो है किसी के साथ नजदीकी रिश्ते को जाहिर करता है. So your intimacy with God began with God. इसलिए हम देखते हैं कि आपका खुदा के साथ नजदीकी रिश्ता खुदा ही के साथ शुरू होता है. God wants to have contact with you. खुदा चाहता है कि वो आपके साथ लगातार रابطे में रहे. Close enough to touch. इतना नजदीक कि वो आपको छू सके. So the concept of intimacy. ताकि उसका और आपका नजदीकी रिश्ता. With God begins in the Garden of Eden. और जिस तरह से हम देखते हैं कि बागे अदन के अंदर ही हमारा और खुदा का नजदीकी रिश्ता शुरू हुआ. God put man in the garden, a place with a fence around. हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को एक ऐसे बाग में रखा जिसके इर्द-गिर्द हमें हद नजर आती है, एक बाड़ नजर आती है. No sickness, no fear. कोई बीमारी, कोई खौफ, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं. Ample provisions. और वहाँ पर हर चीज अवेलेबल है, मुहैया की गई है कसरत से. Adam and Eve were to dress and to keep it. और खुदा ने आदम और हवा को इस तरह से कहा कि वो इस तरह से रहें और अपने पास हर चीज को रखें. They were to take care. उनको हिफाजत करना थी. And protect that garden of relationship with God. और उनको वो बाग जो रिश्ते का बाग था खुदा के साथ उसकी हिफाजत करना थी. We're walking with God. और खुदा के साथ चलते हुए.
we have to work at our God, walk with God. जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें काम करने की जरूरत है. Walking with God is not a one-time event. और खुदा के साथ चलना कोई एक टाइम का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि सिर्फ एक ही दफा खुदा के साथ चलना है. It's a lifetime for all our life. ये पूरी जिंदगी का काम है. And there are many stages of walking with God. इसलिए जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो जिंदगी में बहुत से मराहिल आते हैं. So how do you and I walk with God in intimacy? किस तरह से मैं और आप खुदा के साथ नजदीकी रिश्ते में रहकर चल सकते हैं? First thing. पहली बात. Spend time with God. उसके साथ वक्त बिताएं. Pray to Him. उससे दुआ कीजिए. Talk to Him. उससे बातें कीजिए. Listen to Him. उसकी आवाज़ को सुनिए. Regularly. हर रोज़ ऐसा कीजिए. Make time for Him. खुदा के लिए वक्त निकालिए. You worship Him. उसकी परस्तिश कीजिए. In worship. उसकी परस्तिश कीजिए, हम्द कीजिए. In the Old Testament, in the tabernacle of David. हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर दाऊद की अहदनामे में हमें नजर आता है. 24 hours. 24 घंटे वहाँ पर क्या होता? They ministered to God. वो खुदा के आगे परस्तिश करते, सिताइश करते, हम्द करते. You talk about the wonders of God. वो खुदा की अजमत के बारे में बात करते, वो कितना ही भला और अजीम खुदा है. Talk about His greatness. उसकी अजमत के बारे में बात करते. In Isaiah. हम यसाया में देखते हैं. Who has measured the waters in the cup of his hand? वहाँ पर लिखा है कौन है कि जो पानी को अपने हाथ में नापता है? Weighed the dust of the world in a measure. और जितनी आसमान इस दुनिया के अंदर गर्द है उसको भी नापता है. Weighed the mountains in scales. और जो है पहाड़ों को जो है वो इस तरह से सांचे में जो है वो नापता है. And the hills in a balance. और सारी वादियों को पहाड़ों को. Who but God? कौन? Praise Him for His greatness. और वहाँ पर लिखा है कि उसकी तमजमी अजमत के लिए उसकी तमजीद करो. When you go out in the night. जब आप दिन रात ऐसा करेंगे. God says, lift up your eyes. और खुदा कहते हैं कि अपनी आँखों को उठा. And see who has created these things. और देख कि इन सारी चीजों को किसने तख्लीक किया है. He brings out the host by number. और हम देखते हैं कि उसने नामों को भी गिना हुआ है. And calls each one by name. और उसने हर किसी के नाम को रखा हुआ है, हर किसी के नाम से वाकिफ है. And by the greatness of his might and the strength of his power. और उसकी कुव्वत की अजमत और उसकी अजमत के वसीला से. Not one is missing. कोई एक भी जो है मिसिंग नहीं है. This great God of yours and mine. ये अजीम खुदा जो मेरा और आपका खुदा है. He knows every star by name. वो हर सितारे को नाम बनाम जानता है. He put them there. उसने खुद उनको वहाँ पर रखा है. Praise Him for His greatness. उसकी अजमत के लिए उसकी तमजीद कीजिए. Regularly. हर रोज ऐसा कीजिए. He likes that. वो उसको ये पसंद है. Then read His word. और उसके कलाम को पढ़ें. This is God's love letter to you. खुदा के कलाम की तरफ देखिए कि ये जो खुदा का कलाम है ये आपके लिए है और ये प्यार का खत है जो उसने आपके लिए लिखा है. Read His word. और उसके कलामों को जारी कीजिए. Know Him. उसे जानिए. Know His thoughts. उसकी सोच को जान लीजिए. Know His heart. उसके दिल को जान लीजिए. It's all in His word. ये सारी चीजें उसके कलाम के अंदर आपको मिलेंगी. Eat His word. उसके कलाम को खाना शुरू कर दीजिए. Jesus said this. यीशु ने कहा. My words. मेरा कलाम. They are spirit and they are life. ये रूह भी है और जिंदगी भी है. Every word of God. खुदा के कलाम के अंदर हर अल्फाज. Has the spirit of God. इसके अंदर खुदा की रूह पाई जाती है. And the life of God. और खुदा की जिंदगी पाई जाती है. Read His word. इसलिए उसके कलाम को पढ़ा कीजिए. To successfully walk in intimacy with God. ताकि आप कामयाबी के साथ खुदा के साथ नजदीकी में चल सकें. Requires most importantly. इसके लिए जो सबसे अहम चीज हमें चाहिए. The development of our character. वो हमें अपने किरदार को भी डेवलप करना है, अपने किरदार को भी अच्छा बनाना है. An attitude in our life. और अपने रवैयों को भी दुरुस्त करना है. God gives us an example. खुदा हमें एक मिसाल देता है. In a man of God in the past. हम देखते हैं कि माजी के अंदर इंसान जो है. How to walk intimately with Him. कि उसके साथ किस तरह नजदीकी में चलना है. So if we study this man. अगर हम उसको इब्तिदा में देखें. We will get an insight. हमें तभी सारी तस्वीर नजर आ जाती है.
into what this God is, this walk is about. कि ये चलना जो है वो किस बात के बारे में बात हो रही है? We will study a few of these men. और हम इन इंसानों के बारे में भी पढ़ते हैं. Enoch, Noah, Levi, Abraham. हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, लावी के बारे में पढ़ते हैं और खुदा के खादमीन को देखते हैं. And draw some principles from them. और वहाँ पर भी हमें कुछ असूल उनकी ज़िंदगियों को देखकर मिलते हैं. In Genesis chapter 5 verses 19 to 24. और पैदाइश उसके पांचवें बाप में 19वें आयत से लेके 24वीं आयत में. Talks about Enoch walk with God. वहाँ पर लिखा है कि किस तरह से खुदा के साथ चलना है. When you walk with somebody, you're intimate with somebody. जब आप किसी के साथ चलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी रिश्ते में हैं. Enoch was so intimate with God. और इसी तरह हमें खुदा के साथ भी बहुत नज़दीकी रिश्ता रखना है. He used to walk regularly with God. हमें हर रोज़ खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है. And one day they walk and they walk and they walk. एक दिन इसी तरह से वो चले और चले और चले. And they were so far from home. और वो घर से बहुत दूर निकल आए. And God says, Enoch. और उसने खुदा ने उससे कहा We are so far from home. कि अब तो हम घर से दूर आ गए हैं. Let's go on. और खुदा ने उस नबी से कहा कि अब हम वापस चलें. Enoch walked into eternity. और वो अब्दियत में चलता था. The name of Enoch. और इनोक जो नाम है gives you a clue. यहाँ पर आपको एक यहाँ पर इस चीज को देखकर आपको क्लू मिलता है, एक चीज नजर आती है. It means dedicated. इसका मतलब है किसी को किसी के लिए मखसूस कर देना. Enoch's walk with God comes from dedication. और ये जो उसका खुदा के साथ चलना हमें नजर आता है वो इसीलिए नजर आता है क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के लिए मखसूस कर दिया. The first thing in our walk with God is, और जो पहली चीज जब हम खुदा के साथ चलें जो वो ये है I must come to a place कि हमें एक ऐसी जगह पर आना है where I say, जहां पर मैं ये कह सकूं Father God, I'm going to be dedicated to you. कि खुदा बाप, आज मैं अपने आप को तेरे लिए मखसूस करता हूँ. My life. मेरी ज़िंदगी. My relationships. मेरा रिश्ते. My work. मेरा काम. My ministry. मेरी ख़िदमत. Is live and devoted to God. वो तेरे लिए है. So first thing in our walk with God. पहली चीज़ जो हमारी खुदा के साथ चलने में होनी चाहिए. Be dedicated. कि अपने आप को मखसूस कर दीजिए. Let's look at the number two man, Noah. और दूसरा आदमी जो नूह है हम उसकी जिंदगी पर देखते हैं. The meaning of Noah. नूह, नूह का मतलब. In Hebrew is Noah. और इब्रानी में इसको नूआह कहते हैं. It means rest. और इसका मतलब ये है आराम. In Genesis chapter 6 verse 9. और पैदाइश उसके 6वें बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर. It says Noah walked with God. वहाँ पर लिखा है कि नूह खुदा के साथ चलता था. So Noah was intimate with God. और इस तरह हमें उसका नजदीकी रिश्ता खुदा के साथ नजर आता है. Rest doesn't mean a passive life of doing nothing. Rest का आराम का मतलब ये नहीं है कि वेले बैठ जाना, कोई काम ही ना करना. It's a lifestyle that's not driven. इस आराम का मतलब है कि जिंदगी का ऐसा तरीकेकार कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोशिश या मेहनत ना करनी पड़े. Being at rest doesn't mean not doing anything. आराम का मतलब ये नहीं है कि बस बैठ जाना और कुछ ना करना. It means waiting on God. इसका मतलब ये है कि खुदा का इंतजार करना. And moving when He moves. और जब वो चले तो फिर चले. Go everywhere. जहाँ कहीं पर भी जाएं. Go on mission trip. अगर आप मिशन ट्रिप पर जाते हैं. Go on outreach. या कहीं किसी आउटरीच पर जाते हैं. Does God want you to do it? क्या खुदा चाहता है कि आप ऐसा काम करें? God wants you to go there. क्या खुदा चाहता है कि आप उस जगह पर जाएं? You wait on God. आपको खुदा का इंतजार करना है. Lord, is that what you want me to do? और खुदा से कहिए कि खुदा तू मुझे बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And when he moves. और जब वो चले. You follow. आप उसके पीछे हो लें. Doors become open. और दरवाजे आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे. Fruits flow out of the ministry. और फल आपकी खिदमत से बहना शुरू हो जाएंगे. Signs and wonders pour out. और मौजज़ात और अजीब काम और निशानात ज़हूर में आएंगे. Moving when God moves. तब चलना जब खुदा चले. Be at rest. और आपको इस तरह से आराम करना है. The third man of God, let's look at. Is, और आए अब तीसरे खुदा के खादम पर हम देखेंगे. Is Levi. और वो लावी है. In Malachi chapter 2 verses 4 and 6. मलाकी दूसरे बाब पर उसकी चौथी और छठी आयत में लिखा है. It says Levi walked with God. कि लावी भी खुदा के साथ चलता था. He's intimate with God. उसका खुदा के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता था. And the name of Levi means. और लावी का मतलब है. Adhesion कि किसी चीज के साथ दूसरी चीज को लगा देना or attach या अटैच कर देना जोड़ देना
to be stuck like glue. ताकि जिस तरह से स्मत के साथ या ग्लू के साथ दो चीजें आपस में चिपक जाती हैं, उस तरह से चिपकाना. So we ask ourselves. इसलिए हमें अपने आप को कहने की ज़रूरत है. Do we include God in all that we do? क्या हम खुदा को हर चीज़ में अपने साथ रखते हैं जो काम हम करते हैं? Our thoughts. हमारे ख्याल. Our relationships. हमारे रिश्ते. Our work. हमारा काम. Our ambitions. हमारी सोचें और आने वाले दिनों में करने वाले काम. Are we stuck like glue to Jesus? क्या हम ग्लू के साथ जितना ग्लू के साथ चीज चिपकती क्या हम इस तरह यीशु के साथ चिपके हुए हैं? Do we take him everywhere we go? जहाँ कहीं हम जाते हैं क्या हम उसको अपने साथ लेकर जाते हैं? If you go to a cinema, अगर आप सिनेमा में जाएंगे, do you take Jesus with you? क्या आप यीशु को सिनेमा साथ लेकर जाते हैं? I said, Jesus, shall I watch the cinema? यीशु क्या मैं सिनेमा में फिल्म देख सकता हूँ? And if Jesus say no, get out. अगर यीशु कहे नहीं, तो उसी वक्त वहाँ से उठकर बाहर आ जाइए. And this I want to talk to you ladies. और बहनों मैं आपको भी कहना चाहता हूँ. You like to go shopping. आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है. Do you take Jesus when you क्या go आप जब शॉपिंग पे जाती हैं यीशु को अपने साथ लेकर जाती हैं? If you take Jesus when you go shopping, अगर आप शॉपिंग पे यीशु को साथ लेकर जाती हैं, you will get great bargains. तो फिर आप लोगों के साथ बहस करके अच्छे कम पैसों में चीजें ले सकती हैं. Because Jesus is a Jew. क्योंकि यीशु यहूदी था. Hallelujah. 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 This is the key. ये वो कुंजी है. Walking in intimacy with God. किस तरह से हम खुदा के साथ नजदीकी में चल सकते हैं? Be stuck like glue. जिस तरह से स्मत के साथ कोई चीज चिपक जाती है, इसी तरह यीशु के साथ चिपक जाइए. When you're stuck like glue to Jesus. जब जिस तरह कोई स्मत किसी चीज के साथ चिपक जाती है, इसी तरह आप भी यीशु के साथ चिपक जाएं. You know God's heart. तो फिर आप खुदा के दिल को जान जाएंगे. You have a message. फिर आपके पास कलाम होगा. That will turn people from darkness to light. ताकि वो कलाम लोगों को तारीकी से रोशनी में लेकर आए. So be stuck like glue. ग्लू की तरह यीशु के साथ चिपक जाइए. Genesis 17. और पैदाइश उसके 17वें बाब के अंदर. Abraham walked with God. और पहली आयत में हम देखते हैं कि इब्राहिम खुदा के साथ चलता था. God told Abraham. और खुदा ने इब्राहिम को बताया. I am Almighty God. कि मैं अजीम खुदा हूँ. Walk before me and be blameless. और मेरे पीछे चल. The different stages of walking with God. हम देखते हैं कि खुदा के साथ चलने में भी हमें बहुत से मरहले नजर आते हैं. You notice Abraham was not perfect. और आपको याद होगा, आपने इस बात को देखा होगा कि इब्राहिम कामिल नहीं था. He walked his sacrifice on the altar. हम देखते हैं कि वो मज़बह पर कुर्बानगाह पर कुर्बानी करने जाता था. And after a while. और उसके बाद. He liked to King Abimelech. और उसके बाद हम देखते हैं उसको वो बादशाह भी अबीमेलेक भी पसंद था. He bluffed King Abimelech. और उसने उसको इस तरह से कहा. It says Sarah was his sister, not wife. और उसने उसको उस बादशाह के सामने कह दिया कि सारा मेरी बहन है, बीवी नहीं है. Then after that. और उसके बाद फिर हम देखते हैं. He walked and built another altar. उसने एक और मज़बा बना लिया. Then he lied to the Egyptian king. और फिर उसको मिस्री बादशाह पसंद आ गया. Sarah's my sister, not my wife. उसने फिर उसको इस तरह से कहा कि सारा मेरी बहन है, मेरी बीवी नहीं. He walked from altar to altar. यहाँ पर हमें मज़बा से मज़बा तक वो चलता हुआ नजर आ रहा है. Maybe we are like that. Maybe हम भी इसी तरह से हैं शायद. Maybe we walk from one seminar, one meeting. और शायद हम भी एक सेमिनार, एक दुआ या इबादत से उठते हैं. And we are on a spiritual high. और हमें जो है रूहानी तौर पर हम इतने ऊपर नहीं जाते. And then it begins to come down. और रूहानी तौर पर ऊपर जाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर से नीचे आना शुरू हो जाते हैं. Until we go to another seminar. जब तक दोबारा किसी मीटिंग पे ना चले जाएं. From altar to altar. मज़बा से मज़बा तक. That's okay. ठीक है ये भी. God still say Abraham walk with him. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि इब्राहिम मेरे साथ चलता है. So we can fall. हम गिर सकते हैं. God says though when you walk with me. और खुदा कहता है कि जब तुम मेरे साथ चलते हो. Though you fall, तो क्या तुम गिरोगे? You will not stumble. और तुम गिरोगे नहीं, बल्कि मैं तुम्हें उठा खड़ा करूंगा. But the important thing in this walk. और इस दुनिया के अंदर जो अहम चीज, अहम बात हमें नजर आती है. Is to have the faith of Abraham. कि हमें इब्राहिम जैसा ईमान अपने अंदर रखना है. The faith of Abraham is the faith of God. हम देखते हैं कि इब्राहिम का ईमान जो है, हमें खुदा का ईमान नजर आता है. In Romans chapter 4:17. रोमियो उसके चौथे बाब पर उसकी 17वीं आयत के अंदर. This is the kind of faith. और इसी तरह का ईमान हमें वहाँ पर भी नजर आता है. He calls
what is not into being. और रोमियो में लिखा है कि जो चीजें नहीं होती वो उन चीजों को बुलाता है, कहता है और होना शुरू हो जाती हैं. Do you dare to do that? क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आपको डर लगता है? Somebody comes to you with a bad heart. क्या कोई आपके साथ इस तरह से आए बुरे दिल के साथ? Do you dare to say? क्या आप डरेंगे इसको ऐसा कहने से? I call forth a new heart in you. कि मैं तेरे लिए नए दिल को मांगता हूँ. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. Some years ago. कई साल पहले की बात है. We had a man. एक शख्स आया. He had a bad heart. उसका दिल बुरा था. He was scheduled for an operation. और उसके दिल में मर्ज था और डॉक्टर्स ने उसको ऑपरेशन का कहा था. So he didn't come to church. और जब वो चर्च में आया. When he asked for people who had needs. और जब हमने कहा वो लोग खड़े हों जिनको किसी भी चीज की जरूरत है. To stand up. कि वो लोग खड़े हो जाएं. His wife stood up for him. और उसकी बीवी उसके लिए खड़ी हो गई. And we prayed over his wife as well. हमने उसकी बीवी के लिए दुआ की. Call forth new heart. और उसके लिए नए दिल को मांगा. Next week. और अगले हफ्ते क्या हुआ? This man had an appointment for an operation. उस आदमी का ऑपरेशन होना था. And the doctor checked his heart. और डॉक्टर उसके दिल को चेक कर रहे थे. Before he operates. किससे पहले कि वो उसका ऑपरेशन करें. And this is what the doctor says. और हम देखते हैं कि डॉक्टर्स ने क्या कहा. You don't need an operation. कि तुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है. Your heart is like a newborn baby. कि तेरा दिल एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह हो गया है. You call what is not into being. और वहाँ पर लिखा है जो चीजें नहीं होती जब आप उसको उनको बुलाना और कहना शुरू कर देते हैं. There are other things you must do when you walk with God. और वो जो चीजें जो आप खुदा के साथ चलते हुए करते हैं. Live a moral lifestyle. आपको एक ऐसा ज़िंदगी बसर करनी है कि दूसरों को उससे अच्छा सबक मिले. You can't live like the devil and walk with God. आपको अगर आप इब्लीस की तरह रह रहे हैं और कहें कि मैं खुदा के साथ चलता हूँ. Be spiritual minded. आपको अपने ज़हन को भी रूहानी करना है. Think what God thinks. जैसा खुदा सोचता है वैसी ही सोच आप भी रखिए. Walk in humility. और आप हलीमी के साथ ज़िंदगी को बसर कीजिए. The doorway to God. और वो दरवाजा जो खुदा तक पहुँचने का है. Is humility. वो ये है कि हलीमी किसे आप खुदा के पास पहुँच सकते हैं. God resists the proud, but gives grace to the humble. और हम देखते हैं कि खुदा जो है फजल देता है. And then walk in truth. और जब हम सच्चाई में चलते हैं. God commands us. खुदा हमें हुक्म देता है. In 1 Kings chapter 2 verse 4. और हम देखते हैं कि खुदावंत के कलाम में लिखा हुआ है. To walk before me. पहली सलातीन के अंदर दूसरे बाप और उसकी चौथी आयत में. With all the heart. कि तू अपने पूरे दिल और पूरी जान के साथ मेरे साथ चल. And all the soul. और अपनी पूरी रूह जान और बदन के साथ. It is possible. ये मुमकिन है. To walk in intimacy with God. कि खुदा के साथ हम नजदीकी रिश्ते में चल सकें. You do all these things. और जो सारे काम वो करता है आप भी कर सकते हैं. Your walk is dedicated. आपको अपने आप को और जो आपका उसके साथ चलना है आपने अपने आप को उसके लिए मखसूस करने की जरूरत है. You are addressed. और आपको उन चीजों को सूलों को अपनाने की जरूरत है. You're stuck like glue. और ग्लू की तरह उसके साथ चिपक जाइए. With Jesus. यीशु के साथ. You walk in the faith of Abraham. और इब्राहिम की तरह ईमान में चलना शुरू हो जाइए. A moral lifestyle. और आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए. Spiritual mindedness. आपका ज़हन जो है वो रूहानी होना चाहिए. Walk in humility. और हलीमी के साथ ज़िंदगी बसर कीजिए. Walk in truth. और सच्चाई में ज़िंदगी बसर कीजिए. And you will find. और आप पा लेंगे. That you can walk. कि आप चल सकते हैं. With kingdom authority. खुदा की बादशाहत के इख्तियार के साथ. You can all be like Pastor Anwar. आप भी खुदा के खादिम पास्टर अनवर फजल की मानद बन सकते हैं. Yes. हाँ ऐसा मुमकिन है. And you can set this country on fire because you walk in kingdom authority. और आप इस मुल्क के अंदर आग लगा सकते हैं क्योंकि आप बादशाह के इख्तियार में चल रहे हैं. You stand up, all of you. आए आप सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं. मैं आपके लिए दुआ करूंगा. Lift up your hands. अपने दोनों हाथों को फुली तौर पर बुलंद कर लीजिए. Father God, in the name of Jesus. अपनी आँखों को भी बंद कीजिए. खुदा बाप यीशु के नाम से.
I pray for the people here. जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनके लिए दुआ करता हूँ. I pray that you will release your kingdom authority. और तेरे से दुआ करता हूँ कि तू अपनी बादशाहत के इख्तियार को जारी कर. Over every hand that's raised to you. जितने भी हाथ आज तेरी तरफ उठे हैं. And Father God. और खुदा बाप. I pray for them. और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ. That they will continue in this walk of intimacy with you. ताकि ये तेरे साथ नजदीकी रिश्ते में कायम होकर चलना शुरू कर दे. To release that kingdom authority. ताकि इस किंगडम के बादशाह के इख्तियार को इस मुल्क में जारी कर सके. I want to quickly demonstrate the kingdom authority. ताकि ये बादशाह के इख्तियार में चलना शुरू हो जाए. If any of you have any needs for prayer. अगर आपको किसी भी तरह की दुआ की जरूरत है. Put your hands where you need help. जहाँ कहीं पर भी बीमारी है अपना हाथ रख लीजिए. मैं आपके लिए दुआ करूँगा. And I will pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करूँगा. And those of you who are watching on television. और जितने लोग इस वक्त हमें आज एक टेलीविजन पर देख रहे हैं. At home. घरों में. You place your hands where you need. आप भी बीमारी की जगह पर जहाँ पर भी दुआ की जरूरत है अपना हाथ रख लीजिए. And believe Jesus. और ईमान रखिए यीशु पर. In the mighty name of Jesus. यीशु के अजीम नाम से. In the mighty name of Jesus. यीशु के अजीम नाम से. By the authority of the kingdom of God. मेरा खुदा बाप जो तू बाखुदा की बादशाहत का मालिक है. I release healing to every condition here and at home. और जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर या घरों में बीमार हैं, इनके लिए शिफा को मांगता हूँ. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. Be healed. शिफा पा. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. Be healed. शिफा पो. Thank you, Lord Jesus. और खुदावंद खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ. That you have released your healing. कि तूने अपनी शिफा को जारी किया है. Amen. आमीन आमीन. हालेलुया. जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए कलाम के लिए बजा दीजिए. हालेलुया. Praise Jesus. हालेलुया. जोरदार तालियां बजाइए कलाम मुकद्दस की शुक्रगुजारी के लिए. सब तशरीफ़ रखें, बैठ जाइए. वक्त है कि हद नजराने के लिए हम वर्शिप करें. सब तशरीफ़ रखिएगा, बैठ जाइएगा. हालेलुया. जहाँ भी जगह मिलती है तशरीफ़ रखिए, बैठ जाइएगा. और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो छोटी ग्राउंड के अंदर बैठे हैं, जो ऊपर देख रहे हैं, इसी तरह जो बाहर हैं. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. और आने वाले बुध की इबादत जो है वो FGA ग्राउंड के अंदर होगी. हम आप सबको दावत देते हैं कि आने वाले बुध में हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दीजिएगा. आइए क्वायर के साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे. हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया. हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया. Hallelujah. Thank you.
आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। पास्टर मनीर भट्टी के साथ मिलकर हम हद निजाने के लिए आइए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदाम की हजूरी में झुक जाएं। हद निजाने के लिए आइए हम खुदाम का शुक्र अदा करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप खुदावंद यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज हम तेरे जिंदा हो जाने की खुशी में जश्न को मना रहे हैं। जलाल के बादशाह, यहाँ पर आए हुए एक एक फर्द के साथ हो, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के तमाम गिरजाघरों में जिस वक्त खुदावंद यीशु जहाँ जहाँ भी तेरा नाम लिया जा रहा है, तेरे जिंदा होने की तकरीबात हो रही हैं, खुदावंद यीशु तू सब पर अपना फजल रखना, और आज की मीटिंग में पर तेरे पाक रूह का मसा हो। और ईमान रखता हूँ कि यहाँ से खाली हाथ नहीं बल्कि बाबरकत लोग यहाँ से होकर जाने वाले बनेंगे। आज के हदीये और नजराने के लिए तेरे हुजूर दुआगो हूँ, जिन्होंने खुदावंद तेरे दिए हुए में से दिया है तो उन्हें और ज्यादा सरफराज कर, उनके जलाल के बादशाह घर में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने पाए, उनके खत्ते भरे रहे, तो उनको खुदावंद हमेशा अपने पाक रूह के साया के नीचे रखना, यीशु के नाम में आमीन। अब वक्त है कि खुदा के खादिम को आपकी जोरदार ताली में दावत है, सीने पास फजल साहब को आए हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। आज मिसेस अनवर फजल की बर्थडे भी, अभी केक भी काटेंगे। हालेलुया, कितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है? आप साथ वाले से पूछे कि आपको बरकत मिली है? किसके साथ चलना है? किसके साथ किस तरह चलना है जी? किस तरह जी? ग्लो की तरह। एक ग्लो किसी ने चपेट दी है तो उतरती नहीं, ऐसे ही है ना। कई बंदे कहेंगे बुढ़ी मैनू ग्लो की तरह चंबड़ गई, ऐसे अक्सर करते हैं ना, ऐसे होता है ना। बहने हंसती आप बड़ी, और भाई भी बड़े हंसे हैं। इसी तरह जिस तरह आप शोर बीवियों के साथ चिपके रहते हैं, बीवियां शोर के साथ चिपकी रहती हैं, और हमारा दुल्हा कौन सा है? कलीसिया का दुल्हा बाने वाला है, जिसकी कब्र भी खाली है, स्लीप भी खाली है, और वो जी उठा है, और अब वो सेकंड कमिंग के लिए आने वाला है। तो हमने उसके साथ क्या करना है? चिपक कर चलना है। जब उसके साथ चलेंगे तो फिर ना तो सैनमा में बात कर रहे थे खुदा के खादम डॉक्टर थियो के, सैनमा में अगर जाएंगे, जब यीशु साथ होगा तो सैनमा में जाने देगा? किसी और जगह पर जाने देगा? नहीं। फिर आप जहां भी जाएंगे यीशु आपके साथ साथ चलेगा। आमीन। मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो जी उठा है और साथ साथ चलता है। और जितने भी आप फेसबुक पर देख रहे हैं, आपको भी खुदा बरकत दे। आज टीवी पर देख रहे हैं, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जितनों ने भी आज हमारे साथ मसीह के जी उठने की ईद को मनाया है। खुदावंद आपको बरकत दे। आप अमेरिका में हैं, आप अफ्रीका में हैं, आप एशिया में, यूरोप में, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ भी आप देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। जो छत पर बैठे हैं, छोटी ग्राउंड में, सामने वाली ग्राउंड में, स्ट्रीट में हैं, आपको भी खुदा बरकत दे। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी गर्मी में आप खुदा का कलाम सुनते हैं, और आज आपने डे हमारे साथ यीशु के साथ सेलिब्रेट किया है। आपको बरकत दें। और मैं माजरा चाहता हूँ गली के लिए भी और छत के लिए जो सामने नहीं बैठ सकते, लेकिन अगले इतवार हम दोबारा एफजीए ग्राउंड में होंगे 10 से लेकर 12 बजे तक। इसी तरह बुध की इबादत भी हमारी ग्राउंड में होगी, सो सारा जलाल यीशु को मिले। आमीन। सो बिफोर केक कटिंग, I would request to Jonathan
Please come forward, say something from your heart. He is my son. So we welcome you, Father Theo grandson. So he came for just first mission trip in Pakistan. Jonathan, how you like to celebrate Resurrection Day with us? I will just like to remember that God died for us and praise the Lord, He rose again. और खुदा की खादिम ने उससे पूछा है कि जोनाथन तुझे कैसा लगा कि तू मसीह के जी उठने का दिन हमारे साथ मना रहा है और भाई कह रहे हैं कि मैं उस दिन को याद कर रहा हूं कि यीशु हमारे लिए मुआ लेकिन खुशी की बात है कि वो जी उठा है हालेलुया सो व्हाट डू यू फील डिफरेंस बिटवीन सिंगापुर एंड पाकिस्तान सेलिब्रेशन और सिंगापुर और पाकिस्तान के अंदर जश्न में जो ईदे क़यामतुल मसीह है उसमें क्या फर्क है I think that the people of Pakistan, as I've seen, are very passionate. और जो मैंने देखा वो ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत ही जज्बे से भरे हुए हैं. So I would request that you greet from your heart what you want to say, my brother and sister. I'm very happy to have come on this trip. और मैं इस ट्रिप में जो पहली दफा मुल्क पाकिस्तान और मिशन ट्रिप पे आया हूं आके बहुत ही ज्यादा खुश हुआ. It has really opened my eyes. और यहां पर आकर मेरी आंखें खुल गईं. To see the passion in Pakistan. कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर मसीह के जज्बे को देखकर. It's hard to find passion like that back in Singapore. इस तरह का जज्बा और मोहब्बत सिंगापुर में हमें नहीं नजर आता. But I see every single one of you here are so passionate to follow Jesus and that really warms my heart. यहां पर जितनों से भी मैं मिला हूं जितनों को भी मैंने देखा कि आपके दिल के अंदर यीशु के लिए बहुत ही ज्यादा जज्बा और मोहब्बत है. So God bless you. Tell about your father and mother. My parents are back in Singapore. मेरे वालदैन इस वक्त सिंगापुर में हैं. And they really encouraged me to come on this trip. और उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की ताकि मैं इस ट्रिप पर आ सकूं. At first I wasn't sure whether I wanted to go. और मैं पहले नहीं जानता था कि मैं जाऊंगा या नहीं. But now I'm going to leave Pakistan today and I will truly miss the times ahead here. और आज जबकि मैं वापस अपने मुल्क को जा रहा हूं तो यह कहना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान को वापस जाकर मिस करूंगा. Every one of you has been so passionate in following Jesus and for that praise the Lord. Happy Resurrection Sunday. Aur aap sab Yeshu ke liye jazbe ko rakhte hain aur Yeshu ke pairokar hain is baat ke liye khudawand ki tamjeed karta hu aur aap sabko ko meri taraf se Eid e Qiyamatul Masih mubarak ho. Hallelujah. Thank you very much Jonathan. So you stand in here before isse pehle ki hum dua kare cake kaate khuda ki khadma ka मैं दरख्वास्त करूंगा फादर थियो प्लीज कम फॉरवर्ड वी वांट टू प्रेयर फॉर यू फॉर योर गुड हेल्थ फॉर योर लॉन्ग लाइफ सो आई वुड रिक्वेस्ट मिसेस थियो यू आल्सो कम फॉरवर्ड सो आई रिक्वेस्ट टू पास्टर मनवर फजल पास्टर शौकत फजल पास्टर रेवरेंड रोबिन याबिन पास्टर फैज रॉबर्ट पास्टर इमरान पास्टर रियाज प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वी ऑल Let's pray everybody for my father Theo good health long life taki khuda inko lambi umar de so that god will give them a long life aur khuda inhe barkat de and god bless both of them pastor justin aap bhi samne tashreef laye aur sab apne haath in par rakhe everybody close your eyes and raise your hands towards the men and women aaye sab apne haath inki taraf badhaye let's raise your hands towards them हम दुआ करेंगे We are going to pray for them. खुदा बाप God the Father हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं We are very thankful to you Lord. आज जो तेरे बंदा ने कलाम शेयर किया Today the man of God has shared the word of God. कि हम तेरे साथ चलें That we need to intimacy with you and walk with you. और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं And Lord we are very thankful to you. और आज के बाद And from today onwards इस मैसेज के वसीला से Through this word of God बहुत सारे भाई बहनें Many brothers and sisters तेरे साथ चलेंगे They are going to walk with you और in हम intimacy. सारे मिलकर And we all men of God together हम तेरे बंदा के लिए We ask the blessing for your man जिंदगी We ask good long life उम्र की दराजी long life
पीरी और सलामती को मानते हैं। And success and blessing over him. और मैं इनके एक-एक organ को। And I bless every part of his body. इनके एक-एक organ को। Every organ of his body. यीशु के नाम में हुकम देता हूँ। I command in the name of Jesus. Normal काम करना शुरू कर। Start working normal. मैं खुदा हिजकिया की तरह। Like Ezekiel. तूने उसकी उम्र को दराज किया। You increase the life of Ezekiel. तूने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। And you increase 15 years more. हम सारी कलीसिया मिलकर। We together with all the congregation. हम इनके लिए उम्र की दराजी को मांगते हैं। We increase his life as well. और इनकी good health चाहते हैं। And we want good health for him. और खुदा हम तेरे बंदा के लिए। And for your man of God, Lord. कामल पावर को मांगते हैं। We want the perfect power of God. उकाब की तरह। Like an eagle. ईगल की तरह नया जोर नई ताकत। Give a new strength and new power like an eagle. ताकि तेरा खादम। So that your man of God. खुदा हम जब तक जीता रहे। All of life of his days. रूहों को बचाता रहे। He will win souls. मैं इनकी मिसेज के लिए। For his wife. बरकत चाहता हूँ। I ask blessings as well. मिसेस थियो के लिए। For Mrs. Theo. इस कपल के लिए। I bless this couple. हम सारी क्लीसिया। With all the congregation. जितने भी टीवी देख रहे हैं। And with all the people who are watching. Facebook देख रहे हैं। All those who are watching on हम Facebook. हम सारे मिलकर। We all together. तेरी बरकत को रिलीज करते हैं। We proclaim the blessing over them. तेरी ताकत को रिलीज करते हैं। We claim your power over them. तू इनके साथ साथ चल। Lord, you be with them all the time. जिस तरह तू इब्राहिम के साथ साथ चलता था। Like you was walking with Abraham. नूह के साथ साथ चलता था। Like you walk with Noah. और अपने खादमों के साथ यशुआ के साथ साथ like चलता you was with your man of God, Joshua. इसी तरह अपने बंदा और बंदी like के साथ that चल। You walk with your man and women of God. ताकि तेरा खादम so that this man of God, जब वापस जाए when he go back to his nation, अपने बदन में in his body, नई ताकत फील करे। He will find a new power. इसी तरह जोनाथन को भी तेरे खून में put Jonathan in your blood. जोनाथन भी also Jonathan, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। He will be used for your glory, Lord. मैं इसके माँ बाप के लिए बरकत चाहता हूँ। His parents. उनको भी बरकत दे। You bless them as well, Lord. और खुदा तेरा चेहरा and Lord, your face इन पर जलवा करो। Will be always shine upon them. पाकरी ने महफूज रखे and will protect them और बरकत दे। And bless them मसीह के नाम in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. God bless you, my father. God bless you, mom. जोरदार तालियां बजा दें। बाकी सब तशरीफ रखे अपनी जगह पर। फादर थियो, जस्ट यू स्टैंड इन हेयर। We want to present award to brother Robin Yamin because he is eternal life director. So we appreciate what he doing for the kingdom of God, and God is using mightily in Karachi and all over the Pakistan. So I would request to Riaz Malik. Aye, zordar taliyan bajaye khuda ke banda ke liye. तालियों में कंजूसी ना किया करें प्लीज। गॉड ब्लेस यू। और अभी मैं चाहूंगा कि हम केक काटेंगे। केक काटने से पहले खुदा की खादमा को जोरदार तालियों में दावत दूंगा। वो सामने तशरीफ लाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है अब तुम दो नहीं बल्कि क्या हो, एक हो। तो मियाँ बीवी को ये मैं बताना चाहता हूँ, जितनी भी बहनें हैं, बहनें भी समझा करें कि मेरा शोहर मेरा बदन है। शोहर बीवी को समझे कि ये मेरा क्या है, बदन है। अब हम दो नहीं, हमारी सोच भी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। कई दफ़ा मैं देखता हूँ बीवी की सोच इधर को जा रही है, शोहर की उधर को जा रही है, तो बरकतें जो हैं वो रुक जाती हैं। आमीन। तो थोड़ा सा डैश को भी मैं दरख्वास्त करूंगा टीम से कि थोड़ा डैश भी साइड पे कर दिया जाए। और जितने भी आप साथ वाला बैठा है, कम से कम तीन लोगों को बैठे बैठे कहें आपको खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की ईद मुबारक हो। एक दूसरे को विश करें। मैं चाहता हूं बैठे बैठे आप विश करें एक दूसरे को और एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। हालेलुया। और क्वायर के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मेरी खूबसूरत क्वायर खड़ी हो, क्वायर बड़ी खूबसूरती से गा रहे थे। और इसी तरह म्यूजिशियन के लिए जो तपला बजा रहे थे, आप सामने तशरीफ लाएं। तपला बजाने वाले के लिए आप क्या बजा रहे थे, तपला, ढोलक,
और इसी तरह सुबह सवेरे में 8 बजे मैं देख रहा था भाई जो गिटार प्ले कर रहे थे किधर गए चले गए बाहर तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं और मुन्ना के लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाए साउंड के लिए मुन्ना के लिए आइजक टीवी के कैमरामैन के लिए एडिटर के लिए एमसीआर के लिए और जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम बाहर कर रहे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं और अब मैं चाहूंगा केक काटा जाए खुदा की खादमा और उसके बच्चे आइजक एना एमा रैनी यहाँ सारे मौजूद हैं और शौकत साहब के भी बच्चे हैं रेचल के भी और इसी तरह इमरान के भी सो मैं खुदा की खादमा से दरख्वास्त करूंगा कि वो केक काटें खुदा की कादमा सामने तशरीफ लाएं बच्चे अब अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं आएं अपने हाथ खुदा की कादमा की तरफ बढ़ाएं और हम दुआ करें खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूल कुदस हम सारी कलीसिया मिलकर तेरे कादमा को सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक तेरे खून में छिपाते हैं तेरी कादमा के लिए उम्र की दराजी पीरी और सलामती सेहत और तंदुरुस्ती तेरी फेवर को रिलीज़ करते हैं ये साल जो तूने नया साल इसकी ज़िंदगी में दिया है तेरी फेवर का साल हो तेरे फजल का साल हो ताकि तेरी आँखें जिस तरह यरूशलम पर लगी हुई हैं तेरी खादमा पर लगी रहें और तेरी खादमा जिस पर हाथ रखे वो शिफा पाए तेरी खादमा की जो भी विशेज हैं तेरा पाकरू पूरा करे और मेरी दुआ है तो अपनी बंदी के बच्चों को भी बरकत देना और अपनी खादमा पर हमेशा मेहरबान रहना और खुदाम तेरा रूह इस पर मेहरबान रहे और ये तुझे खुश करे और तेरे साथ खुदाम देख चलती रहे और तेरी रूहों को जीती रहे और मेरी दुआ है तेरी खादमा की उम्र दराज हो और इसके हाथों को बरकत देता हूँ सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक तेरा रूहुल कुदस इस पर मेहरबान रहे मसीह के नाम में आमीन गॉड ब्लेस यू निदा निदा आप कुछ कहना चाहती हैं पहले तो सबको हैप्पी ईस्टर मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आज जबकि मेरी सालगिरह है पास्टर अनवर मुझे कह रहे थे अभी कि तू मेनू चिपक गई है तो मैं इसी तरह से पहले खुदावंद को चिपकी हूँ इसके बाद मैं पास्टर अनवर के साथ चिपकी हुई हूँ ये उतारना भी चाहे तो मैं नहीं उतर सकती और खुदा ने हम लोगों को खिदमत के लिए चुना है आज आप इधर बैठे हैं चर्च में और जो हम खिदमत कर रहे हैं इसके बाद अगले साल अपने एक ग्राउंड में बैठेंगे और वहाँ पे इबादत करेंगे और मैं पास्टरों को कह रही थी कि ये अभी खिदमत का स्टार्ट है अभी तो खुदा ने बहुत सी हमें रूहें बचानी हैं और मैं और पास्टर अनवर तैयार हैं बहुत सी रूहें बचाने के लिए खुदा मतलब आप सबको बहुत बरकत दें आमीन निदा मैं निदा को हंस रहा था पास्टर जी मैसेज सुना रहे थे मैंने कहा तू ही आंजी चंबड़ी है तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो इस बात के लिए भी कि खुदा की शुक्रगुजारी अब मियाँ बीवी साथ साथ चलें तो खुदा फिर साथ साथ चलता है आमीन तो हम दुआ करेंगे इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूँ यहाँ बुजुर्ग हैं इनका क्या नाम है जी जमाल मसीह क्या प्रॉब्लम है इकबाल मसीह आए सब इकबाल मसीह की तरफ अपने हाथ बढ़ाए अपने हाथ रखें ब्रदर आप अपने हाथ रखें यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर मुनव्वर फजल आप इन पर इकबाल पर हाथ रखें खुदा बाप
بھائی اقبال کو تیرے خون میں ہم ساری جماعت چھپاتے ہیں, تیرا خون اس پر کے بدن پر لیتے ہیں, اسپرٹ آف ڈیتھ اے موت کی روح یسو کے نام میں اسے چھوڑ, ابھی اسی گھڑی جاتی رہے تاکہ اقبال مسیح شفا پائے, تیرا خون اسے دھوئے اور پاک کرے, مسیح کے نام میں ہولی اسپرٹ ٹچ اینڈ برنگ نیو لائف ان جیزس نیم, آمین. تھینک یو جیزس, آمین. اہیں سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوں. 10 to 12 o'clock کا ہمارا ٹائم تھا, اب 12 o'clock ہیں. میں چاہوں گا کہ اب آپ سے اجازت لوں گا دعا کے ساتھ. آپ سب کا گیم شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسپیشلی طور پر میں چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ سیکیورٹی کے انتظام سے بڑے مطمئن تھے باہر جو سیکیورٹی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا پولیس اور اسی طرح انٹیلیجنس کے ادارے, دوسرے ادارے, ہماری سیکیورٹی کے جوان. میں ایس ایس پی ماڈل ٹاؤن, ایس ایچ او علاقہ تھانہ لیاقت آباد, اور اسی طرح ڈی ایس پی صاحب ماڈل ٹاؤن, اور تمام انٹیلیجنس اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی ایس آئی کے لیے بھی, آئی بی کے لیے, اسپیشل برانچ کے لیے, پاکستان آرمی کے لیے, اور جن کی ان کی ساری سیکیورٹی کی برانچز کے لیے زوردار تالیاں بجائی جائیں. ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پولیس کے جوانوں کا بھی, اپنے جوانوں کا بھی. تو جب آپ جائیں, میری بات غور سے سنیں, آپ نے دعا کے بعد کسی سے دعا نہیں کرانی. پاسٹر سے بھی میں شوکت سے درخواست کروں گا, نہ آج کوئی پاسٹر آپ کو ملے گا, آپ نے صرف یسوع کو مل کر چلے جانا ہے. کس کو مل کر؟ آج کوئی پاسٹر نہیں آپ کو ملے گا. اور آپ نے اپنا ہاتھ دکھائے, اوپر کریں دہنا ہاتھ, کہیں یسوع مسیح آج میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے, میں تجھے مل کر جا رہا ہوں اور میں تیرے ساتھ چلوں گا. نو کی طرح, یشوا کی طرح, ابراہم کی طرح, میرے قدم تیرے قدم بن جائیں, میری سوچ تیری سوچ بن جائے, تاکہ جب چلوں تو میرے ساتھ چلے اور تیرا ہاتھ مجھ پر مہربان رہے. آنکھیں بند کریں, سب دعا کریں گے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آج کی. خدا ہم دیکھ تیری عید کے لیے, جو تیرے جی اٹھنے کی عید ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو میرے لیے سلیپ پر چڑھ گیا, میرے لیے قبر میں دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اور ان بھائیوں کو, بہنوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں, تاکہ تیرا پاک روح ایک ایک پر ٹھہر جائے, تیرے روح کی بارش ایک ایک پر ٹھہر جائے, ان کو ابراہم, اسحاق, یعقوب کی طرح برکت پر برکت دینا, ان کے ہاتھوں کو بلیس کرنا, ان کے چہروں کو منور کرنا اپنے پاک روح سے. اور میری دعا ہے جو بیمار ہیں, تیرا پاک روح ایک ایک بیمار کو چھوئے اور سلامتی بخشے. اور آج تمام پاکستان کے چرچز پر, خادموں پر, خادموں پر تیری سیکیورٹی آتسی رتھوں کی باڑ کو لگاتے ہیں. پارک کے اندر جتنے بھی پارکس ہیں, جہاں جہاں بھی لوگ ہیں, ہمارے مسیح بھائی بہنیں آج عبادات کر رہے ہیں, ہم تیرے آتسی رتھوں کو وہاں پر مانگتے ہیں, تیرے پاک فرشتوں کی سیکیورٹی کو مانگتے ہیں. ہم پاکستان حکومت کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, پرائم منسٹر پاکستان کے لیے عمر کی درازی, سلامتی, پیری کو مانگتے ہیں. اور اسی طرح پریزیڈنٹ کے لیے, پاکستان آرمی جنرل کے لیے, پاکستان آرمی کے اداروں کے لیے, تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے, پنجاب پولیس کے لیے, سندھ پولیس کے لیے, کے پی کی پولیس کے لیے, اور کوئٹہ کی پولیس کے لیے, خیبر خدا ہم دیکھ کشمیر کے علاقوں کے لیے بھی تیری سلامتی چاہتے. آج جتنے بھی جوان سیکیورٹی کر رہے ہیں, ان جوانوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھنا, تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں اور کوئی ٹیررزم کی اسپرٹ کسی بھی جگہ پر کام نہ کرنے پائے. اور خدا میری دعا ہے تیرے فرشتے ایک ایک بچے کی, ایک ایک بھائی کی, بہن کی حفاظت کریں, اور تیرا روح ہم سب پر مہربان رہے. ہم ملک پاکستان پر,
तेरी सलामती रिलीज करते हैं एशिया पर, मिडल ईस्ट पर, यूरोप पर, अमेरिका पर, कनाडा पर, खुदा हम देख इसी तरह खुदा हम यूके दूसरे मुल्कों पर, एक एक मुल्क के अंदर जहां जहां खुदा हम लोग ईस्टर की खुदा हम अबादात सेलिब्रेट कर रहे हैं, तेरा पाखरू वहां ठहर जाए, तेरा रूल कुदसन पर मेहरबान रहे और आज की सारी इबादत का ऑनर इज्जत तेरे बेटे यीशु को करते हैं। और खुदा मेरी दुआ है जब तेरे बच्चे यहाँ से जाएं, इनकी मोटर बाइक को, इनकी गाड़ियों को, इनके रास्तों को तेरे खून में छुपा देता हूँ, तेरे हाथ सी रथ इनके साथ साथ चलें। तेरे कलाम में लिखा है तेरे दाहिने हाथ की तरफ 1,000, बाएं हाथ की तरफ 10,000 गिर जाएंगे, कोई तेरे करीब ना आने पाएगा। तो देख खुदा हम तेरे फरिश्ते सब तेरे लोगों की हिफाजत करें और तेरा रूह हम सब पर मेहरबान रहे। मैं एक एक बच्चे को, भाई बहन बुजुर्ग को अनवर फजल के सुपुर्द नहीं तेरे सुपुर्द करता हूँ। आए सब शुक्रगुजारी की दुआ करें, 2 मिनट के लिए सब शुक्रगुजारी की दुआ करें, उसके बाद खुदा के खादम पास्टर मुनव्वर फजल शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, उसके बाद कलमात के साथ आपको रुखसत करेंगे। आए सब चंद मिनट अपने अपने लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। सब लोग अपनी जुबान को खोलें और खुदावन का शुक्रिया अदा करें कि यीशु मेरे और आपके लिए मुर्दों में से जी उठा और आज वो हमारे दरमियान है और आपके साथ साथ आपके घरों में जाएगा, क्योंकि यीशु आज भी जिंदा है। और यीशु ने जिस तरह कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, तो आज हमने मुर्दों के पास नहीं जाना, हमने कब्रों पर नहीं झुकना, बल्कि हमने जिंदा खुदावन यीशु मसीह की इबादत करनी है, जिसके आज जी उठने का दिन आप मना रहे हैं। हमेशा यीशु मसीह को अपने सामने रखें और उसका शुक्र अदा किया करें कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, शुक्र करती हूँ कि तू मेरे लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं तेरा इस जो दिन मना रहा हूँ, मना रही हूँ, ये दिन मेरे लिए हर रोज मुबारक दिन हो, ताकि मैं घटूं, तू बढ़े और तेरा बेटा यीशु मसीह मेरी जिंदगी के अंदर जलाल पाए। हर रोज उसका शुक्रिया अदा करें और आज की इबादत के लिए भी आप शुक्रिया अदा करें कि यीशु मसीह ने आप सबको बरकत दी और जब अपने घरों को जाएं तो इस बरकत को अपने साथ लेकर जाएं। आए सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब मिलकर शरीक होंगे, खुदा के खादम पास्टर फैज रॉबर्ट के साथ मिलकर। तो आए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइएगा। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज में दे, जिससे हम अपने ही कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ और इसी तरह इस एटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के साथ, हाजर जमात के एक एक खानदान के एक एक फर्द के साथ हमेशा से हमेशा तक तेरा हाथ बढ़ा रहे और ये तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, मसीह उसके कादर अजीम और जलाली नाम में, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती के साथ जाइए, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सिक्योरिटी के खदशात हैं, आप पार्कों के अंदर जाने से गुरेज कीजिएगा, सिक्योरिटी के खदशात हैं, आप पार्कों में जाने से ग्रेस कीजिएगा, हम आपको कहेंगे कि अब आप सीधा अपने घरों को तशरीफ लेकर जाएं ताकि खुदा उनके